अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की महादशाओं का फल कि मिथुन राशि में, ये चंद्र राशि पर आधारित है ये वीडियो, और सभी महादशाओं का प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा इसके बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि का लोगों का एक स्वभाव है जो कि उनको दिया गया है, और उनकी जो राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है, यानी कि मरकरी। अब मरकरी जो है यहाँ पर वो आपको एक वाणी का तेज देता है कि जिसमें आप बड़े ग्रुप को कमांड करने की क्षमता रखते हो, आपकी बात को सुना जाता है, आपकी बात को लोग बाग भाव देते हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक राशि, एक एक जो है उससे दशा से कि आपकी उन दशाओं का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि पर है, सारी दशाएं किसी के भी लाइफ टाइम में नहीं आती हैं, ये 120 साल का साइकिल होता है जो कि किसी की भी लाइफ में पूरा नहीं होता। तो हम यहाँ सूर्य और इनमें से कुछ ही दशाएं आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन क्रम से आएंगी, ऐसे नहीं कि रेंडमली आ जाएं, क्रम से आएंगी। हम शुरू कर रहे हैं सूर्य से, ठीक है। मिथुन राशि की लाइफ में जब कभी भी सूर्य की महादशा आएगी तो वो 6 साल के लिए होगी, और 6 साल के लिए आपकी लाइफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पर महत्वाकांक्षाएँ होंगी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी आप करियर शेपिंग मूड में होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को अरेंज करने के मूड में होंगे और करेंगे भी। ये 6 साल जो है अचीवमेंट के साल होंगे जिसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करेंगे। नेक्स्ट आएगी आपके लिए चंद्र की, चंद्र राशि की दशा जो कि 10 साल के लिए आएगी। चंद्रमा की दशा आपको थोड़ा सा स्लो बनाएगी, लेकिन आपके रूप को भी निखारेगी, आपको और सुंदर बनाएगी, आपको और स्वीकारोक्ति आपकी बढ़ेगी, और साथ में जो भी आपके गुण हैं उनको और ज़्यादा ये बढ़ोतरी करेगी, लेकिन साथ में कुछ अवगुण भी लेकर के आएगी, ठीक है। इसके बाद आएगी आपके लिए मंगल की दशा जो कि 7 साल के लिए आएगी। मंगल की दशा भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मानी गई है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, बहुत तेज़ी के साथ गुजरेगी। इस दौरान आप जो है अपना काम धंधा, और आपके पास पैसे आएंगे और धन अर्जन होगा इस दौरान। इस दौरान जो है आप काफ़ी सारा पूंजी आप इकट्ठी करेंगे, सेविंग्स आपकी अच्छी खासी होंगी मंगल की दशा में, और अगर मंगल और भी बढ़िया हुआ तो आपका बिल्कुल मंगल ही कर करके वो जाएंगे। ये 7 साल आपके साथ रहेंगे, और 7 साल बहुत ही यादगार साल ही आपको दे करके जाएंगे। इनके जाने के बाद में आएगी आपकी राहु की महादशा जो कि 18 साल आपके साथ रहने वाले हैं। अब ये मैंने अधिकतर मिथुन राशि के लोगों की ज़िंदगी में राहु की जो दशा है ये युवावस्था में देखी है, उनके प्राइम एज में राहु की महादशा चल रही हो और उनकी जो है शनि की 7.5 शुरू हो गई हो, यहीं से जो है उनका जो राशि का जो एक प्रभाव है वो आना शुरू होता है। राहु की महादशा से आपका प्रभाव आना शुरू होता है, जहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हो, और उसमें जो है आपको अपनी जो आपकी लाइफ है वो प्रायोरिटी से हट जाती है। ये राहु के उसमें आप जो है थोड़ा सा गुस्सा आपको ज़्यादा आने लगता है, और राहु की महादशा में क्या होगा कि आप सुनना बंद कर देते हो, आपको एडवाइस लोगों की अच्छी नहीं लगती, और उसमें शनि की 7.5 चल रही हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है। राहु की महादशा 18 साल रहेगी, ये आपकी लाइफ को फोर्स करेगी, ये आपकी लाइफ को शेप करेगी एक अलग ही तरीके से, और इसमें भी जो है आपको अपने आप को बचा करके रखना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में बृहस्पति की दशा, गुरु की दशा जो कि 16 साल आएगी। मिथुन राशि वालों की लाइफ में अगर जो बिटर की दशा, गुरु की दशा अगर सही टाइम पे आ गई तो उनकी जो है काम धंधा उनका सब कुछ ठीक ठाक करके वो जाएंगे। आप कई लोगों की ज़िंदगी में नौकरी से भी जो है स्विच मार लेते हैं लोग वक्त बिजनेस के अंदर जब ये दशा शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 16 साल गुरु महाराज आपके साथ रहेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई आपका सब कुछ ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आपको सेटल करा करके तब जाएंगे वो। उसके बाद शुरू होगी शनि की 19 साल की महादशा। 19 साल की महादशा में शनि महाराज शनि की 7.5 जैसा ही प्रभाव आपको देते हैं, और जब शनि में जब सूर्य आएंगे तो और आपको वहाँ पर दिक्कत होगी, वहाँ पर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, वहाँ पर जो पढ़ाई बीच में जो चल रही है वो बीच में छूट जाती है, व्यवधान आते हैं कई तरह के,
और ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों की शनि की 7.5 चल रही है और शनि की महादशा भी चल रही है और शनि बहुत ही खराब अवस्था में है, उसमें तो सब कुछ जो है चौपट हो जाता है। लेकिन शनि महाराज जो है एकल चलते हैं, ऐसा मैंने देखा कि वो एक बार में एक ही दशा का फल देते हैं, तो इसलिए जो है उनका फल जो है होता बहुत ही डीप है, लेकिन जो है आपको परेशानी सबसे कम होती है। शनि की महादशा में इमोशनल पेन जनरेट होता है और शनि की 7.5 में भी इमोशनल पेन जनरेट होता है, फिजिकल पेन जनरेट काफ़ी कम होता है लेकिन इमोशनल पेन काफ़ी होता है। 19 साल शनि महाराज आपके साथ रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि शनि महाराज की सेवा कीजिए, थोड़ी सी उनको खुश कीजिए, बिल्कुल ठीक ठाक चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है बुध महाराज, 17 साल के लिए जो कि आपके आपकी लाइफ में आएंगे और मिथुन राशि के स्वामी भी बुध ग्रह ही हैं, तो ये अगर आपके स्वामी हैं और अगर इनकी भी इनकी ही महादशा चल रही है अगर आपके ऊपर, तो फिर क्या कहने, फिर तो ये जो है हर चीज़ आपके लिए सेटल अप करके जाएंगे, आपको हर चीज़ जो है बिल्कुल परोस के देंगे ये थाली में कि भाई ये लीजिए आप सिर्फ इसको खाइए। ये लॉन्ग टर्म आपको बाहर ले जाएंगे, अपने जन्म स्थान से दूर लेकर के जाएंगे। इस दौरान आपको जॉब्स की कोई कमी नहीं होगी, आपको जॉब्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी सारे मिलेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल जो है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको होगी नहीं इस 17 सालों में। ये 17 साल आपकी करियर के हिसाब से बहुत ही शानदार साल जाएंगे, लेकिन ये दूसरों की नौकरी करने वाले साल होंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं केतु, जो कि 7 साल के लिए आएंगे, जो कि काफ़ी फास्ट दशा लेकर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट दशा होगी ये 7 साल की, जिसमें अंतर दशाएं भी चलेंगी। लेकिन इस दौरान जो है मिथुन राशि वालों को एक आभास होने लगेगा कि भाई क्या चीज़ होने जा रही है, उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर वो एस्ट्रोलॉजी टैरो या कुछ भी इस तरह की विद्या में अगर वो भाग लेते हैं तो उनके प्रेडिक्शंस बहुत ही शानदार तरीके से सच होंगे यहाँ पर केतु की 7 साल की दशा में, और उनको सपने भी यहाँ पर अजीब से सपने आने शुरू होंगे। उसके बाद आएगी एक बहुत ही शानदार दशा जो कि शुक्र की महादशा 20 साल के लिए। 20 साल के लिए शुक्र की महादशा आपको जो है बहुत ही सुंदर समाज में स्वीकारोक्ति और आपकी लाइफ से जो आपकी लाइफ फिसली है उसको आप वापस गेन करेंगे यहाँ पर, और अपने आप को दोबारा से स्थापित करेंगे समाज के अंदर, नौकरी के अंदर, और जो है अपने आप को सही ढंग से आप व्यवस्थापित करेंगे आप अपने आप को, और हर तरीके से अगर देखा जाए तो ये दशा जो है वो आपके लिए बहुत ही शानदार दशाओं में से एक होगी, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगी आपको और बहुत ही ज़्यादा स्वीकारोक्ति आपकी समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी ये दशा, और आपको भी एक तरीके से कला या साहित्य में स्थापित भी करेगी, आपका नाम होगा, नेम और फेम दोनों आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।